So today I'm here to tell you the most important chapter of the book, The Wonderland Himachal Pradesh by Jagmohan Glokhara. It's a must-read book for Himachal Pradesh ke kisi bhi exam. Ke liye. So to all the new students who are watching our channel, do subscribe to your YouTube channel so that you get all these videos isi tarah ki regularly. Milti rahe. So, let me tell you कि आज हम क्यों डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस बुक, क्योंकि एक तो ये बुक जो है वो मस्ट रीड है. यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे दी हुई यहाँ से आप डायरेक्ट क्वेश्चन देख सकते हो हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्जाम में, भले वो एचपीएससी, एचपी, एनटी, एचपी लीड है, हर जगह पे. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज द ब्यूटिफुल लैंड. ठीक है, जहाँ पे हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी बताई हुई है. अगर आप देखोगे पेपर्स उठा के किसी भी एग्जाम के, तो आपको हमेशा क्वेश्चन मिल जाएगा इन टॉपिक्स के अंदर से, जैसे कि रिवर सिस्टम, रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, लेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, हॉट स्प्रिंग हो गए, ग्लेशियर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, प्रोमिनेंट वैलीज एंड माउंटेन पासेस. तो ये सारे ही टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस बुक के अंदर ये बहुत ही सिस्टमैटिक वे में दिए हुए हैं. कॉम्पैक्ट इंफॉर्मेशन है, एग्जाम ओरिएंटेड और कॉम्पैक्ट इंफॉर्मेशन दी हुई है, और उसके साथ ही काफी कॉम्प्रिहेंसिव भी है. सब कुछ कवर किया हुआ है इन्होंने, आप देखोगे सारे ही टॉपिक्स इसके अंदर कवर है. सो यू कांट मिस दिस दीज टॉपिक्स. आपको बहुत सारे माउंटेन पासेस दिए हुए हैं, सबकी लोकेशंस दी हुई हैं, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी फॉर्मेट में दिया हुआ है यहाँ पे. इस वजह से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. कमिंग ऑन टू द सेकंड चैप्टर, दैट इज द पीपल. So, हिमाचल प्रदेश को जानने के लिए वहां के लोगों के बारे में जानना जरूरी है. तो इस चैप्टर में आपको दिए हुए हैं ट्राइब्स. ट्राइब्स जो है हिमाचल प्रदेश की, उन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, वो है एंशियंट ट्राइब्स और मॉडर्न ट्राइब्स. तो इस बुक में बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में, बहुत इलाबोरेट तरीके से और सिस्टमैटिक तरीके से ट्राइब्स को कवर किया हुआ है. उन्होंने बताया है आपको कि ट्राइब्स की जो कल्चर है वो कैसा है, उनकी इकोनॉमी कैसी है, उनकी हिस्ट्री कैसी है, उनकी ज्योग्राफी, जहाँ पे वो रहते हैं, जिस जगह पे क्यों रहते हैं, वो सब कुछ दिया हुआ है. तो एटलीस्ट अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो आपको ट्राइब्स तो सारे ही कवर करने हैं. ठीक है, यहाँ तक आपको ट्राइब दिए हुए हैं वो आपको सब पढ़ना होगा. इसी वजह से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम देखोगे तो आप देखोगे कि ट्राइब्स के ऊपर क्वेश्चन आते ही है, पूछ लेते हैं चोला डोरा ड्रेस किस ट्राइब की है, इनमें से किस ट्राइब में झंझरारा मैरिज प्रैक्टिस होती है, उसके लिए आपको ये चैप्टर पढ़ना होगा. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज सोशल लाइफ एंड कस्टम्स इन हिमाचल प्रदेश. सो ये जो चैप्टर है ना, आई कॉल इट द लिंकिंग चैप्टर और द ब्रिज चैप्टर. क्यों? क्योंकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है आपकी सोसाइटी ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में. और ये मुश्किल नहीं है, बिकॉज इट्स जस्ट अ रिवीजन चैप्टर. यू हैव ऑलरेडी रेड ऑल दीज थिंग्स, आपने पहले ही पढ़ा है. कहाँ पे मैरिज कस्टम्स आप मैरिज पढ़ के आए हुए ट्राइब्स के अंदर, आप उनके डिवोर्स कस्टम्स ही पढ़ के आए हो, आप ड्रेसेस और उनकी बर्थ सेरेमनीज जो होती है वो पढ़ के आ चुके हैं. सो यहाँ पे सिर्फ आप रिविजन कर रहे हो. और अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आपको सब कुछ एक जगह कंसोलिडेटेड फॉर्म में मिल रहा है, आपको सारे मैरिज कस्टम इस टॉपिक के अंदर मिल जाएंगे. देन वाई अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट वाई दिस चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे आपको फोक डांसेस और ड्रामा मिलेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिमाचल के किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. आप देखते हो ड्रामास और डांसेस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं. एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इसमें दिया वो है फेस्टिवल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड फेयर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश. फेस्टिवल्स ऑफ फेयर्स में इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिंजर फेयर हो गया, ठीक है, देन कुल्लू में जो फेयर्स मनाए जाते हैं, दशहरा फेयर हो गया, देन उसके अलावा फिर लोसार फेयर हो गया, लोसार फेस्टिवल हो गया. तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप इन्हें मिस नहीं कर सकते हो. और इससे अच्छी कोई बुक नहीं होगी इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको लाइन वाइज ये सारे ही टॉपिक्स कवर किए हुए हैं. सो दैट इज द थर्ड चैप्टर एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट एंड आई कॉल इट द लिंकिंग चैप्टर. ठीक है, ये आपको लिंक establish करता है different dimensions के अंदर. Coming on to the fourth chapter, जो अपने आप में एक different topic ही है, art and architecture of Himachal Pradesh, जहाँ पे आपको important जो dimensions हैं, कौन-कौन सी है जो exam में आती है, वो है temple architecture. जो हिडम्बा टेम्पल है वो किस शेप में है, शिखरा में, नगरा में, या फिर जो डोम शेप स्टाइल होता है, पगोड़ा स्टाइल में है, ये आपको यहाँ से पता चलेगा. जो डिफरेंट आर्ट स्टाइल फेमस है, तीन आर्ट स्टाइल है हमारे हिमाचल के अंदर, इंडिजीनियस, खासा, इंडो आर्यन, इंडो तिब्बतन, वो यहाँ से पता चलेंगे. एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है वो है स्कूल्स ऑफ पेंटिंग, वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा. तो ये चैप्टर इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा एंड यू कांट मिस दिस चैप्टर, टू डू रीड इट बिफोर एग्जाम. देन
चैप्टर नंबर 6 हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, हमने ज्योग्राफी की, हमने कल्चर किया, हमने आर्ट एंड आर्किटेक्चर किया, तो नाउ वी नीड टू डू दी हिस्ट्री. और इस चैप्टर के अंदर आप कोई भी पॉइंट मिस नहीं कर सकते हो, भले वो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हो गया, या फिर वो डिफरेंट इन्वेजन है, टर्किश हो गया, तैमूर के हो गए, या फिर गोरखा का इन्वेजन है. इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एंड यू हैव टू कवर दीज टॉपिक्स एंड दिस बुक हैज कवर्ड इट वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली, बहुत ही सिस्टमैटिक वे में, एक के बाद एक कौन आ रहा है, कौन इन्वेड कर रहा है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं. साथ ही आप देखोगे कि जो ये इन्वेजन है ना, ये सिर्फ ये नहीं बता रहे हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये बता रहे जो आज कल्चर देखने को मिलता है वो किस तरह से शेप हुआ है बिकॉज ऑफ ऑल दीज इन्वेजन इन हिमाचल. ठीक है, सो ये चैप्टर हो गया. नाउ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस बुक एंड ऑल्सो फॉर एनी एग्जाम इज डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल, चैप्टर नंबर 7 ऑफ दिस बुक, जिसके अंदर डिफरेंट जो 12 डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल के उनके बारे में सब कुछ दिया है. अब बच्चे से जो चैप्टर है इसको देख के डर जाते हैं क्योंकि देख रहे हो आप कितना सारा कंटेंट दिया हुआ है 12 डिस्ट्रिक्ट के बारे में. और बहुत रेयर बच्चे होते हैं जो इसको, बहुत ही रेयर स्टूडेंट्स हैं जो इसको कंप्लीट करते हैं, बट ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डिफिकल्ट नहीं है बिकॉज इट्स जस्ट अ रिवीजन. यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड ऑल दिस, अब क्या बताएंगे वो डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट का कस्टम. तो डिस्ट्रिक्ट का कस्टम तो आप हिमाचल के प्रदेश के कस्टम में पढ़ के आए हो, वहां पे रहने वाले ट्राइब्स वो आप पढ़ के आए हो. ज्योग्राफी में क्या बताएंगे, रिवर्स बताएंगे, लेक्स बताएंगे जो डिस्ट्रिक्ट में है, वो भी आपने कवर की हुई है. ओनली थिंग दैट दे आर डूइंग इन दिस चैप्टर की वो डिवाइड कर रहे हैं उन्हें डिस्ट्रिक्ट वाइज, कि ये जो आपने पढ़ा है अभी तक उन्हें हम डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगह डिवाइड कर देते हैं. एक जो चीज आपको अलग से पता चलेगी इस चैप्टर से वो होगी किंग्स की क्रोनोलॉजी. ठीक है, जो डिफरेंट किंग्स थे डिफरेंट प्रोविंसेस के, उनको उनके बारे में आपको यहाँ से बस अलग से पता चलेगा, उनकी क्रोनोलॉजी, उनकी जीनोलॉजी. ठीक है, किसके बाद कौन आया, किसने क्या काम किया, वो आपको यहाँ से पढ़ना होगा. ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे जो मैं मेंशन करना चाहूंगी, एंड आई वांट यू टू नोट दैट डाउन, कि अगर आपके पास टाइम कम है, इफ यू हैव 15 डेज और 1 मंथ लेफ्ट एंड यू वांट टू रिवाइज हिमाचल जीके, तो बाकी चैप्टर मत पढ़ो, लेकिन ये चैप्टर नहीं छोड़ना है, इस चैप्टर को पढ़ के जाना है, इस चैप्टर को पढ़ लो. क्योंकि देखो इस चैप्टर के अंदर आपको मल्टीपल डायमेंशंस कवर हो जाएंगी एक चैप्टर पढ़ने से. कैसे, ये डिस्ट्रिक्ट्स दी हुई है, इसके अंदर आपके ट्राइब्स कवर हो जाएंगे, जो ट्राइब्स जिस डिस्ट्रिक्ट में रहता है. फॉर एग्जांपल किन्नौरा में आपको, किन्नौर में आपका किन्नौरा ट्राइब कवर हो जाएगा, उनके कस्टम्स कवर हो जाएंगे क्योंकि फेयर्स एंड फेस्टिवल्स भी दिए हुए हैं इसमें, किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा फेयर और फेस्टिवल मनाया जाता है. देन उसके अलावा आपकी ज्योग्राफी कवर होगी, यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सी वैलीज कहाँ पे पड़ती है, कौन से माउंटेन पासेस पड़ते हैं, कौन सी रिवर्स कहाँ से निकलती हैं. सो ये सारे टॉपिक आपके इस चैप्टर में कवर हो जाएंगे. दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो इस चैप्टर को पढ़ के जाना है. देन नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ टू स्टेटहुड. यहाँ पे जो आपको टॉपिक मिलेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेगा वो है आपका फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड पजोत आंदोलन एंड प्रजामंडल्स. ठीक है, प्रजामंडल जो मूवमेंट हुए, डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स हुए हैं, उनसे रिलेटेड जो पर्सनैलिटीज रही हैं, क्योंकि YS परमार पे आपने देखा है क्वेश्चन आया हुआ है, प्रजामंडल पे इतनी बार क्वेश्चन आया है, पजोत आंदोलन पे क्वेश्चन आया है, वो सारे टॉपिक आपके इस चैप्टर में कवर होंगे. दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, यू कांट मिस इट. नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 9 हिमाचल प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री. अब यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, किस तरह से चीफ कमिश्नरी बनेगा हिमाचल प्रदेश, किस तरह से उसे पूरा इंडिपेंडेंट स्टेटहुड मिलेगा, वो सब आप यहाँ पे पढ़ोगे. सो दैट्स व्हाई यू नीड टू कवर दिस चैप्टर, क्योंकि उसमें क्वेश्चन आते हैं, ईयर्स पे क्वेश्चन आता है, कब एमलगमेशन हो रहा है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स का, ये सब कुछ आपको अब पता चलेगा. जो आज का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो कैसे फॉर्म हुआ है वो इस चैप्टर से पता चलेगा. दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज रियली इंपॉर्टेंट. सो चैप्टर नंबर 9 आपको पढ़ना है. नेक्स्ट जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो है टूरिज्म. जो नई बुक है उसमें 2 वॉल्यूम है, उसमें ये चैप्टर जो है वो वॉल्यूम 2 में चैप्टर नंबर 6 में दिया है. अभी रीसेंट ट्रेंड में हमने देखा है कि टूरिज्म पे काफी क्वेश्चंस आने लग रहे हैं, भले ही वो प्री हो या फिर मेंस हो. मेंस में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इको टूरिज्म में क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो वो ये आपको यहां से कवर करना होगा. यहां पे आप क्या पढ़ सकते हो, अगर फोकस कर रहे हो तो सर्कल्स पढ़ लो. शिमला सर्कल हो गया टूरिज्म के लिए, देन आपका कुल्लू मनाली सर्कल हो गया, चंबा डलहौजी सर्कल हो गया, देन एडवेंचर स्पोर्ट्स और फिशिंग हो गई. ये सारे जो टॉपिक है आपको यहाँ से कवर करने होंगे. इसके साथ एक डॉक्यूमेंट है हिमाचल की टूरिज्म पॉलिसी 2019 वाला, उसको पढ़ लेना, ये चैप्टर कवर हो जाएगा आपका प्री के लिए, मेंस के लिए भी. सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड एंड आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ये बुक इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए.
और आई होप मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए हैं वो जो एडवाइस दी है उसे आप जरूर मानोगे. एंड थैंक यू सो मच. इफ यू हैव एनी क्वेरी वी गॉट योर बैक. यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर. यू कैन ऑल्सो मेल अस ऑन दिस ईमेल आईडी. थैंक यू.